प्रताप जी, इस तोरण के लिए ही मैंने आपको द्वारका माई बुलाया था। ये तोरण आपके घर के मुख्य द्वार पर सजाने के लिए ही बनाया गया है। सच साईं? सच। ये लीजिए इसकी कीमत। अरे लीजिए ना साईं, ये पैसे ले लीजिए काका। अपनी मेहनत और प्रतिभा की कमाई लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ले लीजिए एकनाथ जी, ले लीजिए। शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। छिपरी बेटा, ये ले, ये पैसे तुम रखो। क्यों काका? क्योंकि फूल, पत्तियां, धागा, सब सामान तुम लाई। मैंने क्या किया? मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की, तो पैसे तो तुम्हारे ही हुए ना? नहीं काका, मैं कुछ खरीद के नहीं लाई हूँ। ये सारे फूल तो मैं लेंडी बाग से लाई हूँ, जहाँ साई बाग बनी करता है। ये सारे फूल साई के उगाए हुए हैं, और वैसे भी मैं साईं की मदद कर रही थी, तो उसके लिए मैं पैसे नहीं ले सकती। ये सारे पैसे आपके हैं। साईं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपने छिपरी से कहा कि ये तोरण द्वारका माई के लिए है, और प्रताप जी से कहा कि ये उनके घर के लिए है। मैं कुछ समझा नहीं काकी। अब तो मोतीचूर के लड्डू बनेंगे ना? साई, ये सब आपने इसलिए किया ना, ताकि लड्डू बनाने के लिए हमारे पास पैसे आ जाएं? अपने तजुर्बे का प्रयोग आप माला बनाने के लिए कर सकते हैं साई। लेकिन माला बनाने का तो मेरा कोई तजुर्बा ही नहीं है। कई बार हम अपनी काबिलियत से अनजान रहते हैं, और कौन जाने ये विधा आपको भविष्य में किस रूप से काम आ जाए। सही, कोई समझे या ना समझे, मैं समझ गया हूं। निर्मला, साई ने ये सिर्फ लड्डू के लिए नहीं किया। तुम्हें याद है जिस दिन मैं शिरडी आया था, साई ने मेरी माला बनाने के गुण, मेरे हुनर के बारे में बात की थी। साई ने मुझे आत्मसम्मान से जीने का रास्ता दिखाया है। मैं काम ढूंढ रहा था, साई ने मुझे काम दिया। साई, माला बुनने का गुण, तोरण बनाने का हुनर मुझ में है, ये मैं नहीं जानता था।
आप जानते थे। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। मैंने कुछ नहीं किया है काका। अगर मैं आपको नहीं बताता तो कोई और आपको आपके इस हुनर, इस गुण के बारे में बता देता। जो बोया है वो हमें कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में फल दे ही जाता है। अल्लाह मालिक। चूहे ही चूहे, ऐसा लगता है जैसे चूहों की फौज ने हमारे गोदाम पे हमला बोल दिया हो। गेहूं, ज्वार, बाजरा, सारे के सारे अनाज की बोनियां चूहों ने कुतर डाली और सारा अनाज आपस में गिर के मिल गया। अब हम क्या करेंगे उषा, क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखिए। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा, तुम्हें अंदाजा भी है कि उस अनाज को अलग करने में कितना वक्त जाएगा और उन्हें हम रखेंगे कहाँ? आहो, उत्तेजित होने और घबराने से समस्या नहीं सुलझेगी, आप धीरज रखिए। अनाज अलग करने के लिए मजदूर रख लीजिए और कुछ नई बोरियां मंगवा लीजिए। और पैसे, तुम भूल गई कि हमारी बचत के सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। जुर्माना बचाने के लिए उसी पैसों की उधारी चुकाई है मैंने, और मजदूर तो मैं रख लूं लेकिन उन्हें पैसे कहां से दूंगा? नई बोरियां खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। सब बर्बाद हो गया उषा, सब बर्बाद हो गया। आनंद आ गया पाठशाला से? आनंद आजा, आजा बैठ। आजी, हाँ? आपको याद था? याद कैसे नहीं रहता, हमारा पोता हमसे कोई फरमाइश करे और हम उसे पूरा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ लेखा, आजी ऐसे स्वादिष्ट लड्डू आपने पहले कभी नहीं बनाए। आनंद पता है क्यों? क्योंकि लड्डू बनाने में आज मैंने तुम्हारी आजी की मदद की है। आप भी खाइए ना। जरूर खाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथों से। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम,
आज तो मजा ही आ गया। हाँ? अब कल क्या खाओगे? कोई और मिठाई? नहीं, कल वरण भात। बहुत अच्छा बनाती हैं आप। ठीक है, मैं कल बनाऊंगी। आनंद, बेटा अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम्हारी आई तुम्हारी राह देख रही होगी। जी आजोबा, कल फिर आऊंगा। चल, मैं तुझे छोड़ आता हूं। चलता हूँ आजोबा, चलता हूँ आजी। लगता है अब सब सही हो रहा है। मुझे काम मिला, नया काम। सबने तारीफ की, मुझे प्रोत्साहन मिला, पोते का प्यार मिला। बस अब शांताराम और बहू भी, वो भी आएंगे। साई ने कहा है तो होगा। आज जो हुआ उसके बाद साई की कही बात पर विश्वास ना हो पाना ना तो आपके लिए संभव है और ना ही मेरे लिए। सही कहा निर्मला, बिल्कुल। हमें पैसे की चिंता थी, वो तो हल हो गई। मैं फूल मालाएं और तोरण बेचकर पैसे कमाऊंगा। कल तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज साई की मदद से कमाई का साधन मिल गया। लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। एक दिन में सब कुछ इतना बिगड़ कैसे सकता है? तकदीर पूरी उलट गई हो जैसे। पंद्रह दिन बाद गंगाराम जी को उनकी पहली किश्त देनी है। कहां से आएंगे पैसे?
शांताराम, 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 क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खोलने दिया? आज 15वां दिन है। सेठ गंगाराम जी अपने ब्याज की पहली किश्त लेने आए थे और मेरे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं है। आहो, तो उनसे थोड़ी मोहलत मांग लीजिए। कब तक ऐसे छुप कर रहेंगे? आज नहीं तो कल उनका सामना करना पड़ेगा ना। क्या बात है उषा, आजकल तुम ईद का चांद हो गई हो, ना ही आजकल तुम ज्यादा घर से बाहर निकलती हो। बाजार से आ रहे थे, सोचा तुमसे मिलते हुए चले। नमस्ते। व्यापार बढ़ाने के बाद फुर्सत नहीं मिलती है क्या? तुम दोनों भूल चुके हो हमें। तुमको ही नहीं, और भी बहुत कुछ भूल रही है। नमस्कार सेठ जी, आइए। अब मैं आप ही के पास आ रहा था। बस करो। शांताराम, करार के मुताबिक तुम्हें हर 15वें दिन ब्याज के पैसे मुझे चुकाने थे। आज एक महीना पूरा हो गया और तुमने ब्याज की पहली किश्त में मुझे अब तक नहीं दी। 15 दिनों से चक्कर लगा रहा हूं, आज जाके दर्शन हुए तुम्हारे। कान खोल कर सुन लो, आज दोनों किश्तों के पैसे लेकर ही जाऊंगा यहां से। क्या हुआ? सबके सामने कह दिया तो बुरा लग रहा है? शर्म आ रही है? और तब शर्म कहां चली गई थी जब मैं रोज तुम्हारे घर पे गोदाम पे जाता था और तुम वहां होने के बावजूद ना होने का नाटक किया करते थे, मुंह छुपाते फिरते थे। शांताराम, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से तुम बच जाओगे तो फिर तुम्हारे बाबा की राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तुम जैसे मूर्ख को कर्ज लेना ही नहीं चाहिए था। देखो शांताराम, सेठ गंगाराम के पैसे कोई पचा नहीं पाया है आज तक। कल तक अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे घर का सामान बेचकर ब्याज के पैसे वसूलूंगा। समझ में आया? और शुरुआत करूंगा रसोई घर के बर्तन से। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? माफ करना उषा,
हमें पता नहीं था कि तुम्हारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गलत समझ रही हो तुम दोनों। वो पैसे ना व्यापार में फंस गए हैं बस, और कोई बात नहीं है। अब व्यापार में तो ये होता रहता है, और यदि व्यापार बढ़ाना है तो थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ये सब इतना आसान नहीं है, यदि आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। भिक्षाम देही। साई, चलो साई को भिक्षा दे देते। मैं भी साई के लिए भिक्षा लेकर आती हूँ। ठीक है। प्रणाम साई। प्रणाम साई। राम जी भला करे। राम जी भला करें। क्या हुआ उषा, आज साई ने तुमसे भिक्षा नहीं ली? शायद उन्हें पर्याप्त भिक्षा मिल गई हो, या शायद साई नाराज है तुमसे। वो भला मुझसे क्यों नाराज होने लगे? शायद काका काकी का यहाँ से मजबूरन जाना। क्या बकवास कर रही हो तुम, वो यहाँ से मजबूरन नहीं अपनी इच्छा से गए। तुम दोनों यहाँ मेरा हाल चाल पूछने आई थी या मेरा अपमान करने? जाओ निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं हम। अपमान की बात वो कर रही है जिसने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया। सच क्या ये सब जानते हैं, और तुम अगर इतनी सच्ची होती ना तो साई तुमसे भिक्षा लेकर जरूर जाते। उन्होंने तुमसे भिक्षा नहीं ली, देखा भी नहीं तुम्हारी तरफ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। साहूकार घर पर आकर धमकी देके जाता है और कहती है कारोबार में इतना जोखिम उठाना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, सास ससुर को घर से निकाल दिया, आज वही लोग साई के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। काका सुंदर सुंदर फूल की माला बनाकर खूब पैसे कमा रहे हैं, और ये लोग बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। जिंदगी ऐसी है, यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं है। चल चलते हैं घर। आज पेट भर कर खाया, अब घर भागता हूँ। अध्यापक जी ने आज बहुत घर कार्य दिया है, उसे पूरा भी करना है। कल श्रीखंड खाऊंगा। ठीक है। चलता हूँ आजुबा। निर्मला। हाँ? मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा तोरण बनाने का काम मिला है, फूल ले आता हूं। प्रणाम साई। राम जी भला करें। काका आपको जो चाहिए वो आज आपको अखाड़े के पास वाले बाजार में मिल जाएगा। साई मैं तो हमेशा कुएं के बाजार से सामान खरीदता हूं, मेरी जरूरत का सामान वहां मिल जाता है। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारी जरूरतें और भी हैं। आहो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब सामान तो अच्छे से लेते हैं लेकिन मोल भाव ठीक से नहीं कर पाते। चलो।
चलो। आहो आज एक बोरी अनाज भी नहीं बेच पाया मैं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आहो गंगाराम जी से बात तो करके देखिए, हम दोनों साथ में चलते हैं और उनसे थोड़ा समय और मांग लेते हैं। पहले तो वो राजी नहीं होंगे और अगर राजी हो गए तो दो गुना ब्याज मांगेंगे, फिर क्या करेंगे, कहां से आएंगे पैसे। आई, मैं आ गया। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं तो आज फिर से आजी की याद का बना खाना भर पेट खा के आया हूँ, ये खाना किस पेट में जाएगा। आई भूख नहीं है मुझे, बाद में खा लूंगा। चुपचाप खा लो। आई बाद में खा लूंगा ना। जब से तेरी आजी यहाँ से गई है तो दिन में ढंग से खाता नहीं है, तुझे क्या सदमा लगा है? रात में ढंग से सोता नहीं, दिन में ढंग से खाता नहीं, हाँ ऐसे में तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं आई मैं ठीक हूँ, बस अभी मन नहीं है खाने का। तुम्हारी वजह से रोज मुझे दिन का बासी खाना खाना पड़ रहा है, आज तुम्हें खिला के ही रहूंगी। मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। शुक्र मना कि तुझे खाना मिल भी रहा है, वरना शायद। खा ले चुपचाप। नहीं मुझे नहीं खाना। आनंद मुझे नहीं खाना है। अरे क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने, उषा अगर उसे नहीं खाना है, उसका मन नहीं है तो रहने दो ना, क्यों जबरदस्ती कर रही हो उसके साथ। खाना खिला रही हूँ, इसमें क्या गुनाह कर दिया मैंने, अब अपने बेटे की चिंता भी ना करूँ। उससे बड़ी चिंताएं हैं इस घर में, कल को अगर किश्त का भुगतान नहीं कर पाता हूँ तो जिस थाली में तुम खिला रही हो ना वही नहीं रहेगी, शांति से बैठकर सोच भी नहीं सकता इस घर में। आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मुसीबत आई है मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने बेटे का ख्याल भी ना रखूं मैं और आपकी तरह इसे हाथ में हाथ धरे बैठे रहूं। मुझ पे गुस्सा निकालने से समस्या हल नहीं होगी, समाधान ढूंढिए, क्योंकि जिस दिक्कत में आपने हमें डाला है ना उससे आप ही को हमें निकालना होगा। मतलब मैंने ये सब जानबूझ के किया है? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। खूब समझता हूँ मैं तुम्हारा मतलब, तुम्हें ना तो कमाने की जिम्मेदारी है और ना चुकाने की फिक्र, बैठे बैठे अगर मुफ्त का जीने को मिले तो टिप्पणियां करना बहुत आसान है, जिस पे गुजरती है ना वही समझता है। मुफ्त का ऐसे सोचते आप मेरे बारे में, क्या मैंने आज तक घर को चलाने के लिए कुछ नहीं किया है? तू बस सोचती ही रहेगी या पूछेगी भी? साई, तुम तो कभी किसी से नाराज नहीं होते, कभी किसी को अनदेखा नहीं करते। तुझे क्या लगता है मैंने उषा की अनदेखी इसलिए की क्योंकि मैं उससे नाराज हूँ? तो कोई और कारण था क्या? और मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि तुमने काका काकी को कोई दूसरे बाजार में जाने को क्यों कहा? मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आई आ आई छोड़िए 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 आई। जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, बड़ी उम्मीद से आया हूं तुमसे पैसे मांगने। शांताराम बारिश आने वाली है,
और मुझे छत की मरम्मत भी करवानी है, नहीं तो मैं जरूर मदद कर देता। माफ करना दोस्त। ठीक है, मैं चलता हूं। तुमसे कुछ छिपा नहीं है शांताराम। पिछले महीने ही मैंने अपनी बहन की शादी की है। मैं खुद लोगों के पैसे चुकाने में लगा हूं। खुद कर्ज में डूबा हुआ इंसान भला तुम्हें कर्ज कैसे दे दे? मुझे माफ कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं। देखो शांताराम, पैसे के मामले में दोस्ती नहीं, और वैसे भी जब तुम गंगाराम जी का पैसा नहीं चुका पा रहे हो तो मेरा पैसा कैसे चुकाओगे? माफ करो भाई। फूल भी वैसे ही हैं और भाव भी वही हैं। पता नहीं साई ने यहाँ क्यों भेजा। साई ने कहा है ना, तो यही से ले लेते हैं, कुछ कारण तो होगा। भाई ये एक टोकरी दे देना मुझे। शांताराम, पहचाना मुझे? धनंजय। हाँ, तू वापस शिरडी कब आया? मैं तो कल आया, तू कैसा है? सुना है कारोबार का विस्तार किया तूने? अरे अहमदनगर में अच्छी जान पहचान है मेरी, तुझे अगर माल वहां बेचना हो तो मुझे बताना। और तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, तेरी मदद करके मुझे दिल से बहुत खुशी होगी। इसका मुझसे आज ऐसे मिलना क्या सिर्फ इत्तेफाक है? हो सकता है ये मेरी मदद के लिए ही आया हो, और तो और ये सामने से मदद की पेशकश भी कर रहा है। क्या हुआ दोस्त, कोई समस्या है क्या? मेरे बारे में जो सुना वो सच है, लेकिन आधा सच। मतलब? अगर तुमसे कुछ मदद मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। शांताराम, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मुश्किल में हो, और संयोग की बात तो देखो, मेरे पास तो पैसे भी नहीं आज तुम्हें देने के लिए। मगर मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से तुम्हारे बारे में बात जरूर करूंगा। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं अभी चलता हूं। क्या आपका दोस्त था? इतने सालों में तो याद नहीं किया, आज मिला तो सीधा उधार मांग लिया, मतलब ही दोस्त। निर्मला, नहीं, इस वक्त उसके पास जाना ठीक नहीं है। हमारा बेटा बहुत परेशानी में है, तुम उसका स्वभाव जानती हो। इस समय उसके पास गए, मदद करनी भी चाहिए, उसके अहंकार को ऐसा लगेगा कि हम उसके जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं। इससे रिश्तों में कड़वाहट और बढ़ेगी। कैसी माँ हूं मैं? बेटा इतना मुसीबत में है और हमें कोई खबर नहीं है। अगर उसकी मदद नहीं की
तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। करेंगे, मदद जरूर करेंगे, लेकिन उसके पास जाकर नहीं, किसी और के पास जाकर। किसके पास? सेठ जी, कृपा करके ये पैसे ले लीजिए और मेरे बेटे को मोहलत दे दीजिए। मैं जानता हूं ये पैसे थोड़े कम हैं, पर एक महीने में कमा के बचा के जो भी था वो मैंने आपको दे दिया। थोड़े कम? आपको पता है आपके बेटे ने कितने का कर्ज लिया है? पूरे 150 रुपए का। वो भी 3% ब्याज पे। और आप कह रहे हैं कि मैं इन कुछ पैसों से काम चला लूं? मैं बस इतना कह रहा हूं कि मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, शांताराम का कर्जा मैं चुका दूंगा। अभी तो उसके पास पैसे नहीं है, क्या है उसका परिवार है, परिवार के खर्चे, फिर उसके गोदाम का किराया, उसके कर्मचारियों का वेतन, बहुत से कर्मचारियों की रोजी रोटी शांताराम पे निर्भर करती है। तो वो सब जिम्मेदारियां पहले निभाते हुए शायद उसके पास पैसे नहीं बचे होंगे। हम तो केवल दो हैं, हमारा कोई खर्चा भी नहीं है। मैं कुछ समय में पैसा बचा के आपका सारा ब्याज चुका दूंगा, फिलहाल ये पैसे रख लीजिए। ये कुछ छोटे पैसे देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं कोई भिखारी हूं जो भीख देने चले आए? सेठ जी, मेरे पैसे मेरा हक है और मुझे अपना हक वसूलना आता है। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, चले जाइए यहां से, दबाओ जाओ और ये लेके जाओ। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अरे जब औकात नहीं होती है तो कर्जा लेता क्यों है? ये लीजिए काकी, पानी पी लीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। साई, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत रोका था उसे, मना किया था कि ये कर्ज वर्ष के चक्कर में ना पड़े, लेकिन नहीं, उसे बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना था, अमीर आदमी। उसने मेरी एक नहीं सुनी। अगर कल तक उसने गंगाराम जी के ब्याज के पैसे नहीं चुकाए तो उसके तो बर्तन तक बिक जाएंगे। खाना तो दूर, घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। साई, मैं आपसे विनती करती हूं, आपको कुछ करना होगा, आपको ही मदद करनी होगी। काकी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको मेरी मदद की जरूरत है? एक बात बताइए काका, क्या आपने कोई वसीयत की है? नहीं सही, वसीयत तो कोई नहीं की है। मेरी जो भी जमा पूंजी है वो तो मैं पहले ही शांताराम को दे चुका हूं। लेकिन शांताराम को ही क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है, और साई पिता की जो भी संपत्ति होती है वो तो उसके बच्चों को ही मिलती है।
आपने तो उसे अपना नाम भी दे दिया है। सही, ये तो जगत की रीत है। क्या आपके खेत में एक पेड़ नहीं है? है ना सही, आम का पेड़। उस पेड़ के नीचे तो मेरा पूरा बचपन बीता है। उसके फल, उसके आम इतने मीठे हैं साई, इतने मीठे कि क्या बताऊं। क्या वो पेड़ आपने लगाया था? नहीं साई, वो पेड़ मेरे आजूबा के बाबा ने लगाया था। मेरे आजूबा, बाबा, मैं, शांताराम, हम सबको उस आम के पेड़ ने बहुत छाया दी है। और उसके नीचे बहुत खेले कूदे हैं हम साई। उस पेड़ के साथ बहुत यादें जुड़ी हैं। जिस तरह पुरखों के लगाए पेड़ के फल, उसकी छाया आप सबको मिली है, उसी तरह हमारे पुण्यों के फल हमारे परिवार, हमारी संतति को भी मिलते हैं। हो सकता है आपकी किसी अच्छाई, किसी नेकी के फल से शांताराम को कहीं से मदद मिल जाए। सच साई? कहां से, यहां कौन मदद करेगा? मदद तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ सकती है। अल्लाह मालिक। रात हो गई, कहाँ रह गए? इंतजाम हुआ? रोज रोज एक ही सवाल पूछ के मुझे मेरी नाकामी का एहसास दिलाना जरूरी है क्या? हनुमान सो रहा है, जाग जाएगा। ऐसे भी आजकल बड़ी मुश्किल से सोता है। और मैंने जो महीनों से रातें जाग जाग के काटी है, वो इसे नहीं दिखता। आओ, आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। भूख नहीं है मुझे। क्यों, बाहर से कुछ खा के आए हैं? कहा ना मुझे नहीं खाना। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे घर का सामान बेचकर ब्याज के पैसे वसूलूंगा। शांताराम, व्यापार का कारोबार का विस्तार मुनाफे के पैसे से होता है, कर्ज लेकर नहीं। बड़ों की बातें न मानने का यही अंजाम होता है। बाबा मना करते रहे, लेकिन मैं ही गंगाराम जी की बातों में आ गया। कर्ज नहीं, मुसीबत मोल ले ली है मैंने। आई नहीं, मुझे भ्रम हुआ होगा। हे
क्या हुआ? आपकी रोरी सुनकर मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। और गाइए ना। सुनाती हूँ। अभी तक सोए नहीं आप दोनों? जब बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में हो तो माँ को नींद कैसे आ सकती है साई? साई, ये सोच सोच के ही नींद उड़ गई कि शांताराम ने कल तक गंगाराम सेठ के पैसे नहीं दिए तो वो तो उसका सारा सामान ही उठा के ले जाएंगे। डर इस बात का है कि कहीं वो उन लोगों को बेघर ना कर दे जैसे आप दोनों हुए थे। साई, हम चाहते हैं वो सही रास्ते पर आए। अगर ऐसा है तो बेफिक्र होकर सो जाइए आप दोनों, क्योंकि माँ बाप की दुआओं में बहुत असर होता है। इतनी ताकत होती है उनके आशीर्वाद में कि वो अपनी संतान को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकती है। फिर कर्ज तो एक बहुत मामूली चीज है। आप अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा उसके साथ, पर अगर उसके माँ बाप ही हार मान लेंगे, परेशान हो जाएंगे, तो फिर वो कैसे जीतेगा? सही कह रहे हैं सही, हम उसके आई बाबा हैं। नहीं, हमने हार नहीं मानी, बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो इस मुसीबत से बाहर निकल आए। हे राम, ओ परम ज्ञान का परदेव।
लक्ष्मी, तू मेरा एक काम करेगी? हाँ साईं। जाकर दही ले आ। ठीक है, मैंने पानी भर दिया, अब थोड़ा साफ सफाई करके फिर ले आती हूँ। नहीं, साफ सफाई बाद में हो जाएगी, पहले दही ले आ। ऐसे भी क्या जरूरत आ पड़ी कि तुम थोड़ा भी सब्र नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि उसके बाद मुझे लस्सी बनानी भी है, इसलिए जल्दी जा और जल्दी से वापस आ। साईं, मैं दही तो ला दूंगी, लेकिन तुम्हारे पास ना गुड़ है ना मथनी है, तुम लस्सी कैसे बनाओगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल तेरे ही घर चलते हैं और वहां से लस्सी बना के ही लाएंगे। ठीक है। ये लीजिए काका फूल, मैं अभी आता हूं। जी सही। क्या हुआ, आपने काम क्यों रोक दिया? कुछ नहीं, लस्सी की बात सुनकर किसी की याद आ गई। चलो ये काम खत्म कर लेता हूं। मुझे पता है तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो एकनाथ काका की मदद के लिए कर रहे हो, लेकिन साईं अगर तुम्हें मदद करनी है तो फिर घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो? मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम शांताराम भाव से सीधे सीधे जाकर भी बात करोगे तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। हर किसी के सीखने का तरीका अलग होता है। तू पाठशाला में पढ़ी है इसलिए पुस्तक को पढ़कर किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है, पर बोलो अनपढ़ लोगों के लिए ये तरीका कारगर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तुझे उन्हें पढ़ना सिखाना होगा। और कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे शांताराम की भी। वो उस स्थिति में नहीं है कि वो शब्दों से समझ सके, उसे सब कुछ अपनी परिस्थितियों से सीखना होगा, समझना होगा। हम बस इतना कर सकते हैं कि वो सही दिशा में आगे बढ़ता रहे। का घर पता करना होगा। बहू, एकनाथ जी का घर कहाँ है? घर क्या आप नहीं जानते? क्या नहीं जानते? बेचारे एकनाथ जी का तो अब कोई घर ही नहीं रहा, उनकी अपनी बेटी ने ही उन्हें अपने घर से निकाल दिया। क्या, कहाँ मिलेंगे वो? मैं नहीं जानता, मैं गांव से बाहर गया हुआ था, आप किसी और से पूछ लीजिए। बाबा के साथ इतना कुछ हो गया, कैसे ढूंढूं उन्हें? ये पैरों के निशान तो इस खंडर की तरफ से आ रहे हैं। हे प्रभु, ये कैसी माया है?
बाबा, जितना समय लेना था उससे ज्यादा समय ले चुके हो तुम शांताराम। अब लेने की मेरी बारी है, या तो पैसे निकालो नहीं तो मैं तुम्हारे घर के बर्तन निकाल कर ले जाऊंगा। बहुत गर्मी थी ना तुमने क्या कहा था, 150 रुपए तो मैं कुछ ही महीनों में लौटा दूंगा। लौटाओ पैसे, अरे मूल तो दूर, ब्याज की किस्तें भी नहीं दे पा रहे हो तुम। पैसे दोगे या बर्तन ले जाओ? लेकिन वो पैसे, पता है मुझे कि तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, आप लोग रुकिए, सेठ जी, सेठ जी उनसे कहिए ना रुकने के लिए, सेठ जी आओ आओ उनसे कहिए, अगर बर्तन चले गए तो बनाएंगे कैसे और खाएंगे किसने, कहिए ना। आओ आओ, आप ऐसे हाथ में हाथ दे रहे क्यों खड़े हैं, कुछ तो कीजिए ना। अगर शांताराम में कुछ करने की क्षमता होती तो बहुत पहले कर लेता, औकात होनी चाहिए कुछ करने के लिए। उठा जल्दी सेठ जी, नहीं ले बाहर। कौस्तुभ, अरे खुश हो, खुश हो। बाबा आप यहां, मैंने सुना आपके पास कोई घर नहीं है, क्या ये सच है? नहीं, किसने कहा? हम यहां द्वारका माई में रहते हैं। ये कोई रहने की जगह है? तुम निर्मला से नहीं मिले? ये निर्मला मेरी धर्मपत्नी। आयुष्मान भव। निर्मला जानती हो ये कौन है? इतनी बार तुम्हें बताया, कितनी बार चिट्ठियों में भी लिखा था। जब मैं बॉम्बे में काम करता था ना, तो इसके बाबा वल्लभ, उनसे मेरी भेंट हुई थी, फिर हमारी मित्रता हो गई, बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए थे हम। लेकिन छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया, वल्लभ की मृत्यु मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सदमा थी। जरा देखो इसे, वही कदकाठ, वही नैनक्ष, वही हाव भाव। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरा दोस्त वापस आ गया। मेरा उठना बैठना वहां के सभ्य लोगों के साथ है, वो सब खानदानी लोग हैं। नया नया काम था तो कुछ महीने मिलने नहीं आ सका, तो आई खुद ही वहां चली आई। तो इसमें बुरा क्या है? उन्होंने कहा तो तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए वो आई। अनपढ़ है साई, और वो लोग सबके सब पढ़े लिखे, ऊपर से मैंने उन सबसे अपनी गरीबी भी छुपा के रखी थी। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरा चपरासी वो भी इनके साथ पहले मजदूरी कर चुका था, उसने सबको ये बता दिया, कितनी बेइज्जती हुई मेरी। आई को वहां नहीं आना चाहिए था। बेटा मैं कह तो रही हूं मुझसे गलती हुई। नहीं, एक माँ को उसके बेटे की याद आना, ये गलत कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, लेकिन जो मेरी बेइज्जती हुई उसका क्या, क्या वो बेइज्जती मिटाई जा सकती है? क्यों नहीं, बहुत आसान तरीका है इसका। क्या तरीका है साई, बताइए मुझे क्या करना होगा इसके लिए? Thank you.
अपनी मां के हाथ धुलाने पड़ेंगे तुम्हें। हाथ धुलाने पड़ेंगे? क्या उससे मेरी बेइज्जती बुलाई जा सकती है? जैसा कहा वैसा करोगे तो पता चलेगा। ये लो। अपने हाथ आगे कीजिए। हाँ। आई, क्या हुआ? हाथ दिखाइए, अपना हाथ दिखाइए। आई, ये कैसे हो गया? ईश्वर और बाबा के आशीर्वाद से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था, दाल बेचने का। आज वो इतना बड़ा हो गया है कि विदेशों में दाल निर्यात करता हूँ, गांव-गांव जाकर दाल खरीदता हूँ, फिर विदेश बेचता हूँ। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारोबार, इतनी तरक्की। आप सही कहते थे, वाकई में बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का है ये। माजी, आज मैं जो भी हूँ बाबा के वजह से हूँ। अगर बाबा मेरी जिंदगी में ना होते तो पता नहीं मेरी जिंदगी क्या होती। किसी भी उम्र में पिता को खोना सबसे बड़ी क्षति होती है। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। तभी बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखकर, मेरे अभिभावक बनकर मुझे उस अंधकार भरे जीवन से निकाल लिया और मैं इन्हें बाबा कहकर पुकारने लगा, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक पिता कर सकता था। मेरी नजरों में बाबा तब से मेरे बाबा बन गए जब से इन्होंने मुझ में आत्मविश्वास जगाना शुरू कर दिया। हर कदम पर इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे यह यकीन दिलाया कि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं। बाबा, किताबें।
बस ऐसे ही। ये तो मैं हूं। चलो जल्दी जल्दी खा के सो जाना। हम्म, कल पाठशाला जाना है। आप क्यों नहीं खा रही हो आई? मैं तो पहले ही खा चुकी हूं। अगर मैंने अभी अपने लिए रोटी बना ली तो फिर कल सुबह इसकी नाश्ते के लिए क्या बनाऊंगी? हे भगवान, कितनी अभागी माँ हूं मैं। अपने बच्चे को सूखी रोटी के सिवा और कुछ नहीं दे पा रही। जो तुमने देखा वो तो केवल एक झलक है। तुम्हारी आई ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है वो मैं तुम्हें बताता हूं। नहीं साई, नहीं। तुम्हारी मां के हाथों पर ये निशान उस अतीत की निशानियां हैं जिसे उन्होंने तुम पर न्यौछावर कर दिया। उनके हाथों के जख्म उन तकलीफों के गवाह हैं, सबूत हैं, जिन्हें चुपचाप सहकर वो मजदूरी करती रही। वो मजदूरी जिस पर आज तुम शर्मिंदा हो। तुमने अपनी मेहनत तो देखी लेकिन तुम ये नहीं देख पाए कि ये वही तो हाथ है जो धूप बारिश सर्दी गर्मी हर वक्त पत्थर तोड़ते रहे, बोझ उठाते रहे ताकि कि जिंदगी का बोझ तुम पर भारी ना हो, तुम अपनी शिक्षा पूरी कर सको। हां, तुमने पढ़ाई की लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारी शिक्षा को पूरी करने के लिए पैसे कहां से आते। तुमने कहा कि मजदूरी से कभी पैसे की बचत नहीं हुई, पैसे आए ही नहीं, लेकिन तुम ये नहीं देख पाए, ये नहीं समझ पाए कि जो भी पैसे आते थे वो तुम पर तुम्हारी शिक्षा पर खर्च कर देती थी। वो चाहती तो अपने हाथों का इलाज किसी वैद्य से करा सकती थी लेकिन अपने पे पैसे खर्च ना करके उसने एक एक पैसा बचाया तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए। हाँ, तुम्हें रोटी मिलती थी लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था और सिर्फ पानी पीकर सो जाती थी वो। पर उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन कोई शिकायत नहीं देखी होगी तुमने। और अगर खाने में तुम्हें आधी रोटी भी कम पड़ जाती तो वो रात भर खुद को कोसती हुई सोती थी। चौंक गए ना, तुम्हें लगता है तुम गरीब थे लेकिन वो गरीब कैसे हो सकता है जिस पर ऐसी ममता का आशीर्वाद हो, जिसे पूरे संसार की दौलत देकर भी नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारी मां का पूना आना और तुमसे मिलना तुम्हारी बेइज्जती नहीं
तुम्हारा सम्मान था, तुम्हारे सहकर्मियों के लिए सम्मान था, सौभाग्य था उनका कि उन्हें ऐसी देवी के दर्शन प्राप्त हुए। आई, मुझे माफ कर दीजिए आई। मैंने कभी नहीं सोचा आपकी तकलीफ के बारे में। मैं कितना स्वार्थी था, मुझे पता ही नहीं था। मुझे एक मौका दो, मैं आपको आपको सबसे अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। आई, आप मेरे साथ चलिए, अब से आप मेरे साथ रहोगे और मैं हर दिन आपकी सेवा करूंगा। लेकिन तुम्हारे साथ वाले लोग, साई ने कहा ना कि आपके दर्शन पाना तो उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। चलिए आई, मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि मैं आज जो भी हूं अपनी वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से हूं। आप मेरे साथ चलिए। धन्यवाद साई। मेरे पास ना पैसे थे ना तजुर्बा, लेकिन बाबा के विश्वास ने मुझे आगे बढ़ाया और आज मेरे पास वो सब कुछ है जो एक सफल इंसान के पास होता है, जिसके वो सपने देखा करता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये सफलता मेरी नहीं है। मेरी सफलता के असली हकदार तो बाबा है, इनका योगदान है। बाबा, मैं वहाँ इतने थाट पाट से रह रहा हूँ और आप यहाँ इस हालत में रह रहे हैं। जिस उम्र में आप दोनों को आराम करना चाहिए, आपके बेटे को आपकी देखभाल करनी चाहिए, उस उम्र में आप अपने गुजारे के लिए संघर्ष कर रहे हो। बाबा, ये आपको शोभा नहीं देता। आप चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो बेटा, हम तुम्हारे घर कैसे जा सकते हैं? क्यों, सिर्फ इसलिए कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं? एक सगे बाबा ना होकर भी आपने मेरे लिए एक सगे बाबा की सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, तो अब क्या मैं एक बेटे की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता? बाबा, मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए, बिनती है आपसे, मना मत कीजिए। कौस्तुब, मुझे तुम पे गर्व है। तुम बिल्कुल वैसे ही बने हो जैसा मैं तुम्हें बनाना चाहता था। मेरा मित्र वल्लभ जीवित होता तो बहुत प्रसन्न होता। बेटा, तुम हमें यहां से इसलिए ले जाना चाहते हो कि हमें यहां तकलीफ है? नहीं, हम यहां बहुत खुश हैं बेटा। यहां मेरा परिवार है, उससे मुझे थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। हमारा पोता हमसे मिलने आता है, बेटा साथ नहीं है, इस बात का दुख है, पर कभी कभार दिख जाता है। चलो, शांताराम से मैं बहुत प्यार करता हूं, जैसा तुमसे। बेटा, शांताराम भटक गया है, उसने कारोबार बढ़ाने के लिए कर्जा लिया था, घाटा हो गया, कारोबार चला नहीं। तुम मेरी मदद करना चाहते थे ना, मेरी नहीं, शांताराम की मदद करो। आज उसने साहूकार के पैसे नहीं चुकाए तो
नौबत यहां तक आ गई है कि उसके घर के तो बर्तन तक बिक जाएंगे। बाबा, इतना सब हो जाने के बाद भी आप उसी के बारे में सोच रहे हो? बाप, बेटा है वो मेरा, जैसे तुम हो। ठीक है बाबा, मैं बेशक मदद करूंगा, लेकिन आपके बेटे की खातिर नहीं, आपके खातिर। बेटा धन्यवाद, तुमने ऐन वक्त पर आकर हमारी मदद की। तुम बिल्कुल फरिश्ते की तरह आए हो हमारे लिए। बेटा भी बोलते हैं और धन्यवाद भी बोल रहे हैं। बाबा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, इंसान हूं। आपने कभी मेरी मदद की थी, आज मुझे मौका मिला तो मैं मदद करने आ गया। लेकिन बेटा, अचानक यहां कैसे आना हुआ? कैसे पता चला कि हम यहां हैं? अरे, मैं तो बताना ही भूल गया। बीती रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। बाबा, बाबा आप रो क्यों रहे हो? बाबा, बाबा कौस तो बाबा तुम्हें इनकी मदद करनी होगी। मगर आप हैं कौन? एक तुम ही हो जो इनकी खुशियां वापस ला सकते हो, और इसके लिए तुम्हें फौरन शिरडी आना होगा। सुनिए, वो कौन थे मैं उन्हें नहीं जानता। जो भी हो, वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। साई ने सही कहा था कि मदद किसी भी रूप में आ सकती है, और देखो निर्मला, मदद आ गई। साई, कौन कौन पीना चाहेगा ठंडी लस्सी? लस्सी? लस्सी तो मुझे काफी पसंद है। अब आपको याद है, आप बचपन में जब मुझसे मिलने आते थे, मैं आपसे लस्सी के लिए जिद करता था, पर आप मुझे दुकान ले जाते थे। अच्छा, उस वक्त लस्सी सुनकर आपको कौस्तुभ की याद आई थी ना, है ना? हो ना हो, साई को पता था कि कौस्तुभ आने वाला है, उसे लस्सी पसंद है, इसीलिए वो लस्सी बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन वो है कहाँ? मैं यहां। आप? आप कौस्तुभ, तुम साई को जानते हो? यही तो कल मेरे सपने में आए थे, इन्होंने ही तो मुझे फौरन शिरडी आने के लिए कहा था। हो सकता है आपकी किसी अच्छाई, किसी नेकी के फल से शांताराम को कहीं से मदद मिल जाए। अच्छा, तो तुमने मुझसे लस्सी इनके स्वागत के लिए बुलवाई थी। अगर कौस्तुभ जी एकनाथ काका की मदद के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो फिर इनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। और वो पैरों के निशान, जिनका पीछा करते करते मैं यहां तक आ पहुंचा, वो भी आप ही के थे ना सही?
ये सब आपकी महिमा है ना साई? मैंने कुछ नहीं किया है, ये महिमा तो एकनाथ काका के पुण्य कर्मों की है, जिसकी वजह से आप यहां चले आए इनकी मदद करने। साई, मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं, शब्द नहीं है मेरे पास। नहीं काका, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी आंखों में संतोष देखना चाहता हूं, आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, बस। जाओ कौस्तुभ, शांताराम की मदद करके अपने बाबा की इच्छा पूरी करो। जरूर सही। देख लिया ब्याज ना देने का अंजाम, ये तो सिर्फ नमूना था। अगर दो दिन के अंदर मेरे ब्याज की दोनों किस्तों के पैसे नहीं चुकाए तो इस बार तो बर्तन ले जा रहा हूं, अगली बार घर से पलंग, संदूक, अलमारी सब कुछ निकाल कर ले जाऊंगा। चलो रुक जाइए। आप शांताराम जी है ना? मुझे आपसे जरूरी काम था। फिर कभी आइए, मैं अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूं। पता है मुझे, लेकिन काम जरूरी है। मुझे आपसे दालों की आपूर्ति का सौदा करना है। मैंने कहा ना आपसे, दालों की आपूर्ति का सौदा? हाँ, मुझे लगभग 200 मन दालों की जरूरत है। अगर उससे ज्यादा मात्रा में मिलती है तो सोने पे सुहागा। दो सौ मन दाल मिल जाएगी ना? हाँ, लेकिन पैसों की चिंता मत कीजिए। आप चाहे तो मैं पेशगी दे देता हूं अभी। मुझे उम्मीद है आप समय पर सारी व्यवस्था कर लेंगे। आपको दालें चाहिए तो मुझे बताइए ना। शांताराम तो बहुत छोटा मोटा व्यापारी है। आपकी करनी से तो आप गुंडे लगते हैं, और मैं सिर्फ शरीफों के साथ ही व्यापार करता हूं।
शांताराम अब तो पैसे आ गए ना, तो आप मेरे पैसे भी दे दो। ये रही आपकी पुरानी और अगले 3 महीने की किश्तें। अब अगले 3 महीने तक आप तकाजा नहीं करेंगे। और हाँ, एक ही बार में मुझे इतनी दालों की आपूर्ति करने का सौदा मिला है जितना आप साल भर में भी नहीं बेच पाते। इसलिए अपने भाड़े के लठैतों से कहिए कि अपनी हद में रहें। क्योंकि अब मैं भी कोई छोटा मोटा व्यापारी नहीं हूं। रुकिए, ऐसे कहां जा रहे हैं? अपने आदमियों से कहिए बर्तन जहां से उठाए हैं वहीं वापस रख दें। बर्तन वापस रखो रे। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। सेठ जी, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कम से कम पानी तो पीते जाइए। औपचारिकता की जरूरत नहीं है। विचित्र आदमी है ये। जो भी हो, हमारे लिए तो फरिश्ता बनकर आया है। जब हमने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी तब इसका आना, इतना बड़ा काम देना, पेशगी देना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। मैं अभी जाकर दालों की आपूर्ति का काम शुरू करवाता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो और दालें खरीदूंगा। श्रमिकों को काम पर बुलाकर काम वापस शुरू करवाता हूं।